सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो पार्ट नंबर टू में स्वागत है आपका ऑफ द डेली रिवीजन सीरीज टारगेट कैट 2022। तो पिछली क्लास में मतलब कल हमने लॉ की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जल्दी से देख ली थी और मैंने कहा था आपसे मैक्सिमम लॉ के सवाल उन्हीं प्रॉपर्टीज से होते हैं। अब उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। तो देर आर सम क्वेश्चंस, मैं ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कवर करूंगा जो एमबीए एंट्रेंस के होते हैं और ऑब्वियसली बाकी एग्जाम में भी चीज हेल्पफुल हो सकती है। आज कैट की बात करेंगे, जो सबसे रिसेंट कैट में लॉ के सवाल आए थे। आइए देखते हैं सवाल किस लेवल के आते हैं और इन्हें सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। तीन सवाल लिए हैं कैट 2021 के, सिंगल स्लॉट के नहीं, एक मॉर्निंग स्लॉट का, एक आफ्टरनून स्लॉट का, एक इवनिंग स्लॉट का। तो रेगुलरली सवाल आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप पहले पॉज है, खुद से ट्राई करना बिल्कुल सिंसियरली, फिर सोल्यूशन देखना। बिना ट्राई करे सोल्यूशन देखोगे तो टेक अवे उतना अच्छा नहीं होगा, इन द सेंस की बहुत लर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए पहले खुद से ट्राई करो, मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा, वरना आप फिर सोल्यूशन देखिएगा और देखना कहां गड़बड़ रही, किस स्टेप पे प्रॉब्लम आई आपको। फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये पहला सवाल है जो कैट में आया था, कैट 2021। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x के टर्म में कुछ लॉग के टर्म दिए हैं हमें और हमको निकालना है 100x। तो बेसिकली x आ गया तो 100x तो निकाल ही लेंगे। तो निकालना x है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे काफी लॉग के टर्म आपस में एड और माइनस हो रहे हैं, और जब दो सेम बेस के लॉग के टर्म एड होते हैं तो हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर लेते हैं लास्ट क्लास नहीं देखिए तो जल्दी से देख लो, हार्डली 10 मिनट के आसपास की है, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है, ये 5 इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। ये 5 में भी अगर आप इसको log 10 में कन्वर्ट कर दो तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, जो बड़ा आसान है। भाई आप 5 × 1 कह सकते हो, 1 क्या होता है, log 10 बेस 10, ये लिख दो आप और बाहर 5 है। तो 5 के बगल में जो 1 लिखा है 5 × 1, उसको आप ये कन्वर्ट कर दो। हम सबको log बेस 10 में लाना चाहते हैं ताकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाए, सिंपल एज दैट। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस टेंशन खत्म हो गया। अब लिख दीजिए टर्म, तो ये हो गया log बेस 10 और ये 10 की पावर 5 आ गया, माइनस ये है बेस 10, ये है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया, ये log बेस 10, 4 को पावर में ले जाओ, अभी 1 माइनस एक्स का रूट हो रहा है, उस पर जब फोर्थ पावर लगेगी तो पहले से तो क्या होगा भाई, 1 2 तो स्क्वायर रूट को हटा देगा और अगला स्क्वायर उस पावर में लग जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स की फोर्थ टू पावर हो जाएगी। बेसिकली आप जानते हैं क्या है, अभी 1/2 पावर थी तो उसमें इंटू 4 कर दो तो 4 × 1/2 होता है, और यहां पर तो लिख ही दीजिए इसको इस तरह से log बेस 10 और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, जहां पे टर्म प्लस हो रहे हैं वहां मल्टीप्लाई कर देना और जहां पे माइनस हो रहे हैं वहां पे डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये log बेस 10 तो ऐसे ही लिख दिया, ये आ गया 10 की पावर 5, ये माइनस है, सेकेंड टर्म में माइनस है तो भाई ये तो होगा डिवाइड, ये हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड, ये प्लस में ये टर्म, ये वाला प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये है 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसको आप अलग करके लिख सकते हैं, कैंसिलेशन में काम आ जाएगा। आप दोनों तरफ बेस 10 का लॉग है तो अंदर के टर्म आप बराबर कर सकते हैं, लॉग को हटा सकते हैं। चलिए हम ऐसे ही पे हटा देते हैं, ये हटा दिया, अब कर दो सॉल्व। ये एक तो ये टर्म कैंसिल हो गया, और एक काम करते हैं, x ये टर्म को एक तरफ ले आते हैं, बाकी टर्म को इधर ले आते हैं, इसके टर्म को यहां पे लाएंगे, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 2 है और ये 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, तो इधर लाने पर जब टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। व्हाट इज 2 + 1/2, 5/2, तो 5/2 तो यहां पे आ गया, और इसको उस तरफ ले जाओ तो 10 की पावर -5 आएगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ एक सिंपल काम करते हैं कि फिफ्थ रूट ले लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 5 पावर कॉमन है तो फिफ्थ रूट ले लेते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स, ये 1/2 है, 5 तो हट गया, यहां से भी 5 हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा हमारा 10 की पावर -1, 10 की पावर माइनस 1 को 1/10 लिख सकते हो, बस अब स्क्वायर ले लो तो 1 माइनस एक्स 1/100 के बराबर आ गया। एक्स को इस तरफ ले जाओ, 1/100 को इस तरफ ले आओ, तो x की वैल्यू आ गई 1 - 1/100, मतलब कि 99/100। ये x आया, हमें क्या चाहिए 100x, 100 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 99, खत्म कहानी, ठीक। अच्छा मुझे ये सॉल्व करना था इसलिए मैंने पूरी कहानी लिखी, वरना आप सीधे इसको log टू द बेस 10 और 10 की पावर 5 लिख के सीधे सॉल्व करके इस स्टेप पे डायरेक्टली आ सकते थे, ठीक। पर क्योंकि पहला सवाल था, मुझे थोड़ा स्टेप्स को डेमोन्स्ट्रेट करना था, मैंने बता दिया आपको। देखा आपने, उन्हीं प्रॉपर्टीज सॉल्व हुआ, कुछ भी अलग से इस्तेमाल नहीं किया आपने, वही 8-9 प्रॉपर्टीज में से एक दो उठा के हमने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल मैकेनिकली, अपना दिमाग बहुत कम लगाया, सिस्टमैटिकली आगे बढ़ते चले गए, मैकेनिकली नहीं बोलेंगे, सिस्टमैटिकली बोलना बेटर रहेगा, और आंसर आराम से आ गया। कैट का सवाल था, अगला देखिए, ये भी कैट 2021 दूसरे सॉल्व का सवाल है।
आइए सॉल्व करते हैं। देखिए लॉग टर्म कैसे खुलता है आपको पता है, पहले बाहर से लॉग खुलेगा, जब बाहर से लॉग खुलता हुआ आएगा, ठीक, ब्रैकेट जब बहुत सारे होते हैं ना तो ब्रैकेट अंदर से खुलते हैं पर लॉग बाहर से ओपन होता है। भाई जब ये होगा ओपन तभी तो अंदर के लॉग और एक्सपोज होंगे वैल्यूज के लिए, तो अंदर की वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, इस टू को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, जो टू आ गया। अब जब लॉग ओपन, लॉग ओपन कैसे होता है आपको पता है, लॉग एन टू द बेस ए, अगर एक्स है तो एन कितना होता है, ए की पावर एक्स, तो बेस पे राइट साइड की पावर लगा दो तो लॉग हट जाता है। तो ये रहा टू राइट में आ गया, उस पर टू की पावर लगेगी तो टू की पावर टू कितना आता है, फोर आ जाएगा, फोर। अब अंदर के टर्म फोर के बराबर हो गए, अंदर के टर्म फोर के बराबर हो गए। अब ये थ्री राइट साइड में जाएगा और फोर से माइनस होगा, व्हाट इज फोर माइनस थ्री, वन हो गया, वन इसके बराबर हो जाएगा। तो वन पे लगेगी थ्री पावर, थ्री की पावर वन थ्री होता है, एक और लॉग खोल लिया आपने थ्री, ठीक हो गया। अब ये फोर राइट साइड में जाएगा, ये चीज थ्री के बराबर होगी जो मैं कर रहा हूं यहां पर, ठीक, ये थ्री के बराबर हो गए। अब फोर उधर जाएगा तो थ्री माइनस फोर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक, तो माइनस वन इसके बराबर हो गया। अब आखिरी लॉग खोल लो तो फोर की पावर माइनस वन हो जाएगी और बचेगा एक्स माइनस वन, और फोर की पावर माइनस वन कितना होता है, वन बाय फोर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव बाय फोर। हमको एक्स नहीं चाहिए, हमको फोर एक्स चाहिए, तो हमारी वैल्यू फाइव हो जाएगी, बस खत्म। वो भी आखिरी स्टेप मैंने बता दिया आपको, ये भी आप वर्बली कर सकते थे, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बाहर से लॉक खोलते आओ, कितने सिंपल सी वैल्यूज है, टू थ्री फोर, सिंपल सा प्लस माइनस हो रहा है यहां पे, आखिरी में एक्स फाइव बाय फोर आता है, पर आपको चाहिए फोर एक्स, ठीक है। हाँ, सिली मिस्टेक मत करना, एक्स की वैल्यू मत लिख देना, हमको चाहिए फोर एक्स। आप ही देख लो कितना सिंपल सवाल है, बिल्कुल लॉग की बेसिक थ्योरीज के ऊपर, ये बेसिक डेफिनेशन के ऊपर था कि लॉग होता क्या है। ओपन करते गए, अंदर का वेरिएबल एक्सपोज हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, आराम से फोर एक्स निकाल लिया, ठीक। एक सवाल और कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स कैट में काम तो आसान सा ही चल रहा है आपके सामने, आप देख ही सकते हो, अगर प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन क्लियर है तो काम आराम से हो जाएगा। ये रहा अगला, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, हम अभी इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बेस अलग है, बेस अलग है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो एक सिंपल काम करते हैं, नंबर और बेस को अलग ही कर लेते हैं, इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, और मैंने बोला था आपको कि हम नंबर और बेस को अगर किसी थर्ड बेस में ले जाना चाहे तो आराम से लेके जा सकते हैं। तो देख लीजिए, ये हो गया लॉग ए, नीचे आ गया लॉग 15, लॉग 15 किसी थर्ड बेस में लेके, वो कुछ भी हो सकता है, आप 10 मान लो, x मान लो, e मान लो। आगे चलो, ये भी लॉग ए हो गया और ये हो गया लॉग 32, नीचे भी सेम काम करेंगे तो लॉग ए ऊपर दो बार आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का लॉग नहीं है, लॉग ए होगा वो दो बार है, इसलिए लॉग ए का होल स्क्वायर, ठीक, ये ध्यान रखना, छोटा सी बात है बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। नीचे क्या आ जाएगा, एक लॉग 15 आ जाएगा और एक लॉग 32 आ जाएगा, लॉग 15 इंटू लॉग 32, ये ऊपर जाएगा और ऊपर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, पहले टर्म में लॉग 15 कैंसिल होगा। अच्छा उससे पहले काम करो ना, ऊपर के लॉग कैंसिल कर दो तो नीचे का भी लॉग चला जाएगा, ठीक, ऊपर सिर्फ वन बचा। अब इनको ऊपर ले जाओगे आप, इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग 15 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, लॉग 32 बचा, प्लस इसमें लॉग 32 कैंसिल होगा तो लॉग 15 बचेगा, बढ़िया बात है ये तो। और नीचे सिर्फ एक लॉग बचा है और राइट साइड आप देख सकते हैं हमारी 4 आ रही है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब दोनों का बेस सेम है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 32 इंटू 15, एक सिंपल काम करो ना, एक 2 यहां पे ले जाओ तो ये 30 हो गया, व्हाट इज 30 इंटू 16, 480, लॉग 480, और ये आ गया हमारा लॉग ए और ये आ गया 4। अब आंसर आराम से आ जाएगा, लॉग ए को एक तरफ ले आते हैं, लॉग ए को एक तरफ ले आते हैं तो 4 1 बाय 4 होके यहां पे आएगा, और क्योंकि वो लॉग टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पावर मेरे इधर जाएगा, तो इधर आ गया लॉग 480 और पावर हमारी कितनी है, 1 बाय 4। बेस सेम है, लॉग को हटा दीजिए, जिस नंबर का लॉग ले रहे हो दोनों तरफ बराबर कर दो, तो ए की वैल्यू 480 का फोर्थ रूट के बराबर है, फोर्थ रूट मतलब दो बार स्क्वायर रूट ले लो, आराम से 1 बाय 4 बन जाएगा। अगर आप 480 की बात करो, ये किसके स्क्वायर के बीच में बताइए, ये है 441 और 484 के बीच में, ये 21 का स्क्वायर होता है और किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर, ठीक। तो एक बार आपने स्क्वायर रूट किया तो हमारा आंसर 21 से 22 के बीच में आएगा, ये स्क्वायर रूट है, पर आपको फोर्थ रूट तक जाना है, मतलब इन टर्म्स का भी एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट एक बार और करना पड़ेगा। ये दोनों टर्म्स किन स्क्वायर रूट्स के बीच में आते हैं बताइए, किसके बीच में आते हैं बताइए, ये आता है 16 और 25 के बीच में, ठीक, 16 और 25 के बीच में। तो अगर इनका स्क्वायर रूट लोगे आप
तो हमारा आंसर 4 और 5 के बीच में ही आएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है 4 और 5? खत्म, रेंज निकालनी थी हमको और आंसर आराम से आ गया। अब ये मत डरिएगा कि सर 480 एग्जैक्ट फोर्थ रूट तो इंटीग्रल आंसर देगा नहीं, भाई किसी परफेक्ट इंटीजर नंबर का तो ये फोर पावर होता नहीं है 480, तो 480 का फोर्थ रूट को इंटीजर आंसर तो आएगा नहीं, पर रेंज तो आ सकती है, कितने आराम से आ सकती है रेंज, आपने देखा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द आंसर। तो जस्ट पिछले साल कैट में आए हुए 3 सवाल ये थे लॉग के, और कितने आराम से उन्हीं थ्योरी से डुएबल थे आप देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं एलजेब्रा से डरिए मत, सवाल को देखिए, प्रॉपर्टीज आपके सामने है, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को अप्लाई करते जाइए। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे या PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे, थोड़ा कमेंट बॉक्स में एक्सप्रेस करना कि क्या ऐसा होता है कि आपको सवाल मुश्किल लगता है पर सोल्यूशन देख के लगता है कि नहीं तो हो सकता था, या प्रैक्टिस करते हुए इंप्रूवमेंट हो रहे हैं या नहीं। देखो सवाल तो सॉल्वेबल थे आपके सामने, मैंने बताया। ठीक है, तो डरने की बात नहीं, आराम से हो जाएगा, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, थिंग्स विल गेट बेटर। तो कैट के सवाल देख लिए, कैट के और सवाल भी देखेंगे, पर अगली क्लास में मैं कुछ नॉन कैट एग्जाम के सवाल भी देखते हैं ना, कि भाई जैट में क्या हालचाल है, स्नैप में किस तरह के सवाल आते हैं, एनमैट में क्या होता है, तो कुछ वैसे सवाल भी देखते हैं हम लोग कि नॉन कैट एग्जाम्स में कुछ और कैट वाले सवाल भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा देख किस तरह के पूछता है लॉग्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा अपने ओपिनियंस, जो भी आपके फीडबैक्स हैं, लाइक कर देना वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, टेक केयर।